आज की वीडियो में हम जानेंगे शुक्राफ्लेट एंड ऑक्सीटा कैन सस्पेंसन के बारे में एसिडिटी को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और रिजल्ट भी इस सिरप का काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है तो कंप्लीट जानकारी लेंगे सुक्राफ्लेट एंड ऑक्सीटा कैन सस्पेंसन सिरप के बारे में कैसे यूज किया जाता है कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं और डोज कैसे लेनी है और इसकी साइड इफेक्ट प्रसन्स और इसके फेमस ब्रांड और इस सस्पेंशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम सबसे पहले तो हम इसके फेमस ब्रांड के बारे में जान लेते हैं इसमें आप सुक्राफिल ओ जेल सस्पेंसन ले सकते हैं आप जेल बोल सकते हैं सस्पेंसन बोल सकते हैं एक ही बात है या फिर सुक्राडे ओ जेल ले सकते हैं और ये आपको हंड्रेड एम में मिल जाएगा जिसका एम आर होता है बाकी आप इसे टू हंड्रेड का भी ले सकते हैं और इसके बेनिफिट्स की बात करें तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए इस सिरप का काफ़ी कमाल का रिजल्ट होता है किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है अल्कोहल पीने की वजह से या फिर पेट का अच्छे से खाने को डाइजेस्ट ना कर पाना इसकी वजह से भी एसिडिटी बनती है या फिर कोई नॉर्मली एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है तो ऐसी कंडीशन में सुक्राफ्लेट सस्पेंशन का बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट होता है इस सिरप से बहुत इफेक्टिव रिज़ल्ट देखने को मिलता है इसके अलावा पेट में अल्सर बनने लगता है हर्ट बन की प्रॉब्लम होने लगती है हर्ट बन ये एक तरह की जलन होती है जो कि एसिड रिफ्लैक्स की, की वजह से होती है एसिड रिफ्लक्स में क्या होता है खाना जो है वो फूड पाइप में ऊपर की तरफ आने लगता है तो ऐसी कंडीशन में सुक्राडे सस्पेंसन या सु्राफिल ओ सस्पेंसन काफ़ी कमाल का रिजल्ट देता है ये सस्पेंसन एसिडिटी को ठीक करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और दोस्तों इस सस्पेंसन को हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब किसी पेशेंट को लंबे टाइम से एसिडिटी की वजह से एडमिट किया जाता है तो उस टाइम इस सस्पेंसन को यूज़ किया जाता है एसिडिटी को ठीक करने में इस सस्पेंसन का बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है और गाइस ये शुगर फ्री सस्पेंसन है जिसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी आराम से यूज़ कर सकते हैं और सुख्रपिल ओ सस्पेंसन गैस को इसी तरीके से पास करने में हेल्प करता है तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट अब हम जानेंगे इसके प्रविकेशन यानी सावधानियाँ इस सिरप को लीवर वाले पेशेंट एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले और उसके बाद यूज़ करे इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फेडिंग लेडी है तो ऐसी कंडीशन में भी एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले और उसके बाद यूज़ करें और इसे आप ओवरडोज में ना लें और किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर ले अब हम जानेंगे इस सस्पेंशन की डोज के बारे में वैसे तो सभी पेशेंट की डोज उसकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करती है बाकी एक नॉर्मल सी जो डोज होती है वो फाइव एम दिन में दो टाइम दी जाती है तो ये थे इसकी कुछ डोज अब हम जानेंगे साइड इफेक्ट के बारे में कॉमन साइड इफेक्ट की बात की जाए तो किसी पेशेंट को कौनसीपेशन हो सकता है या नोज़िया की प्रॉब्लम हो सकती है वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है डिजीनेस इंसोमिया मतलब सोने में है जो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है एलर्जिक रिएक्शन इस तरह का साइड इफेक्ट एक आध पर्सन को देखने को मिल सकता है जो कि एक दो दिन में ठीक हो जाते हैं उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं